बच्चों नमस्कार। आज आपकी जो फिजिक्स की क्लास होगी, जिसके अंदर हम 12th क्लास का ये जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उनके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारे फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है बेटा, वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। इसलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस की वो एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जिसके अंदर हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। और आपके चार्ज कहां पर होंगे, जब हमारे चार्ज रेस्ट पोजीशन के ऊपर होंगे, तो साइंस की उस ब्रांच को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। साथ के साथ बेटा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको एक नाम और से जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं एट रेस्ट, वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। कि जब हम किसी दो इंसुलेटिंग बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे के साथ रब करेंगे, तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन के कारण वहां पर क्या होता है, उन बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम क्या करें, किसी ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, तो हम क्या देखते हैं, आपके जो ग्लास रोड है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाती है, वो चार्ज हो जाती है। तो आपके जो ग्लास रोड है वो चार्ज हुई किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। जैसा कि बच्चों अभी हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। तो अब यहां पर हमारे पास एक नया वर्ड आया है, चार्ज। तो हम बात करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, कैसे जो चार्ज डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं। तो उन सभी टॉपिक के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की क्या होती है बेटा, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट मीन जिसके ऊपर और फर्दर आगे रिसर्च नहीं है उसके। और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो आपका मैटर है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम यदि बात करें मैटर के बारे में, तो क्या होता है, ऑल मैटर, कोई भी मैटर क्यों ना है, कंपोज्ड ऑफ एटम, वो क्या किए होता है, अपने अंदर एटम को कंपोज किए होता है। और यदि हम किसी एटम के बारे में बात करें, एटम कैसा होता है, किसी भी एटम के अंदर एक टिली सेंट्रल कोर होती है, और उस टिली सेंट्रल कोर को बोलते हैं हम न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट होती हैं, सेल होती हैं, जिनके अंदर आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। किसी भी एटम के अंदर मिलने दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है न्यूक्लियस जो टिली सेंट्रल कोर है, और जो क्या होती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज, और सेकेंड पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन जो आपके ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। अब आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर बेसिकली तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दूसरा होते हैं आपके प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और तीसरा पार्टिकल्स होता है आपका बेटा न्यूट्रॉन जो कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इसलिए आपके जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है केवल वही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, जिनके ऊपर चार्ज है। इसलिए आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। और जबकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो आपकी ऑर्बिट है सेल है उसके अंदर कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करते रहते हैं। और साथ के साथ यहां पर ध्यान देने की बात यह है बेटा,
यदि हम इनके चार्ज के बारे में बात करें कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जो कूलम होती है वो क्या होती है, आपकी चार्ज की एसआई यूनिट होती है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है जितना कि एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और जो आपके न्यूट्रॉन है वो तो कैसे बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। साथ के साथ हम ये भी जानते हैं किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उनकी संख्या क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि सेम है तो आपका जितना नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही क्या हुआ, आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ। इसलिए जो एटम की यदि इलेक्ट्रिकल स्टेट के बारे में बात करें तो जो एटम होते हैं बेटा इलेक्ट्रिकली वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो एटम कैसे हुए इलेक्ट्रिकली, न्यूट्रल। और जो एवरी एटम है वो किसको कंपोज किया हो, सॉरी जो आपका मैटर है वो कंपोज किया होता है किसको, एटम को। तो अब एटम आपका न्यूट्रल है तो कैसे किसी मैटर के ऊपर, कैसे किसी बॉडी के ऊपर आपके चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, कैसे किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अब हम इस बात को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी बॉडी है बेटा वो कैसे चार्ज होती है, जब हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तो इस प्रकार से वो बॉडी क्या हो जाती है, आपकी चार्ज। क्योंकि आपकी बॉडी है वो कैसी थी, न्यूट्रल। और यदि किसी बॉडी के अंदर से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा बेटा, आपके जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है वो बॉडी कैसी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिवली चार्ज। और यदि हम किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को शामिल कर लेंगे तो वहां पर उस बॉडी के ऊपर क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और उसके कारण क्या होगा, बॉडी के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि ए बॉडी कैन बी चार्ज बाई एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट था, इससे हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इसलिए बॉडी कैसी हो गई, आपकी पॉजिटिवली चार्ज। और जबकि एक सेकंड ऑब्जेक्ट आपके पास ये था, इस बॉडी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया तो ये बॉडी कैसी हो गई, आपकी नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पर साथ के साथ एक बात और है जो बच्चों बेटा आपने ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमेशा क्या है, मास के साथ आता है। इसका मतलब यदि ये ऑब्जेक्ट आपका चार्ज हुआ है तो इसके मास के ऊपर भी इफेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट आपका चार्ज हुआ है इसके मास के ऊपर भी इफेक्ट होगा। कि जैसे कि हमने अभी बात की है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे आपके चार्ज पार्टिकल है और वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और चार्ज पार्टिकल तो हमेशा मास के साथ आएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी के अंदर शामिल हुए हैं, जो इस बॉडी ने गेन किए हैं, उन इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास भी था। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता बेटा, 9.1 × 10⁻³⁹ kg। तो इसका मतलब यदि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी इस बॉडी के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। तो इसका मतलब इस बॉडी का मास लाइटली आपका इंक्रीज हो जाएगा। और जबकि जो ये ऑब्जेक्ट था आपका पहले वाला, इस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी था, तो इस बॉडी का मास क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां से हम क्या समझ पा रहे बेटा कि जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनका मास स्लाइटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जबकि वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनका मास स्लाइटली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आओ बेटा अब हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कुछ चार्ज से रिलेटेड कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज का सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंबल, तो चार्ज को डिनोट करते हैं बेटा लेटर Q से। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। और जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है आपका A T।
और जो चार्ज के लिए बात करें टाइप के, तो चार्ज बेटा बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता आपका नेगेटिव चार्ज। और साथ के साथ छोटी क्लासेस के अंदर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो दो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है आपकी फोर्स भी होती है। जो लाइक चार्ज हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और जो अनलाइक चार्ज हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में बेटा फोर्स भी होती है। कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जहां पर लाइक चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो कुछ एक विशेष कंडीशन होती है, उनको बेटा आगे तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। अब उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम बातें करेंगे। हमारी पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। यदि हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, एडिटिव इन नेचर। और ये प्रॉपर्टी क्या है, मान के चलिए आपके पास कोई बॉडी है, एक काफी बड़े साइज की एक एक्सटेंडेड बॉडी है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आपके जो चार्ज है प्रेजेंट है। अब मान के चलिए हमने एक एग्जांपल लेके चलिए, हमारे पास एक बहुत बड़े साइज की ऑब्जेक्ट बॉडी थी और यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल है इस पॉइंट के ऊपर वो आपका प्लस 2 कूलम है, यहाँ पर प्लस 4 कूलम है, यहाँ पर माइनस 3 कूलम है और यहाँ पर आपका प्लस 1 कूलम है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें क्या करना है, टोटल चार्ज को काउंट करना है, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो एडिटिव इन नेचर क्या बोलती है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज को फाइंड आउट करेंगे कि व्हाइल टेकिंग सम ऑफ चार्जेस, जब हम चार्जेस का सम लेंगे देन देयर साइन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तब क्या करेंगे, देयर साइन, उनके जो साइन है, जो प्लस और माइनस के जो सिंबल है उनको भी अकाउंट के अंदर लेके आएंगे। कि यदि यहां पर हम सोचें दो प्रकार की जो पॉसिबिलिटी बेटा कि 2, 4, 6, 3, 9 एंड 1, 10 की टोटल चार्ज आपके 10 कूलम, नहीं ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि यहां पर इस दौरान जब आपने आंसर दिया 10 कूलम तो यहां पर इन चार्जेस के जो सम है, जो इन चार्जेस के जो साइन है प्लस और माइनस, उनको हमने क्या किया, नेगलेक्ट किया। पर ऐसा आपको कभी नहीं करना है। इस प्रॉपर्टी के अनुसार है जब आप चार्जेस का सम लोगे तो उनके जो साइन है प्लस और माइनस उनका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो प्लस का चार्ज होगा बेटा 2, 4 और 1, ये हो गया 7 कूलम, और माइनस का चार्ज क्या हो आपके पास 3 कूलम। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास जो नेट चार्ज है वो कितना बचा बेटा, प्लस 4 कूलम। तो इसका मतलब है आप जब भी टोटल चार्ज निकालोगे तो वहां पर उन चार्जेस के जो साइन है प्लस और माइनस उनका भी आपने ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में चार्ज की, और वो क्या है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। पर जो पूरा सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। और टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आपका सिस्टम कैसा है बेटा, आइसोलेटेड, बिल्कुल एकांतवास के अंदर। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, मान के चलते हैं बेटा, सपोज करके चलते हैं आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, या आपके पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चले जैसे कि आपके पास कोई बॉक्स है और इसके अंदर हमारे पास कोई तीन बॉडीज हैं, बॉडी ए, बी और बॉडी सी। बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज है वो है बेटा प्लस 2 कूलम, बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस 3 कूलम, और जो आपकी बॉडी सी है उसके ऊपर चार्ज है बेटा प्लस 9 कूलम। तो यदि हम इस सिस्टम के ऊपर, ये जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल चार्ज बताएं तो वो टोटल चार्ज कितना होगा आपका, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3।
मींस जो बॉडी ए के ऊपर चार्ज है उसको मैंने Q1 मान लिया, बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज Q2 और बॉडी सी के ऊपर जो चार्ज है उसको मान लिया बेटा मैं Q3। तो आपका टोटल चार्ज क्या हुआ बेटा +2 कूलम प्लस, ये आपका क्या -3 कूलम प्लस, और ये चार्ज बेटा आपका +9 कूलम। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है जैसे कि हम एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इनके साइन को अभी हमने से ध्यान रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल चार्ज हुआ प्लस का बटा 9 और 2 11 और माइनस का था आपका बटा 3, तो आपका नेट चार्ज कितना हुआ +8 कूलम, ये आपके पास टोटल चार्ज हुआ। और यदि इस बॉक्स को ये जो आपका आइसोलेटेड एक बॉक्स आइसोलेटेड जो सिस्टम है मान के चले इस बॉक्स में अच्छी तरीके से हिला देता हूं इस प्रकार से, और इसके मोमेंट के कारण यहाँ पर क्या होता है ये जो आपकी बॉडीज ए बी और सी थी, यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो बॉडी ए है अब उसके ऊपर जो चार्ज है वो आ जाता बेटा +4 कूलम, और जो आपकी बॉडी बी है उसके ऊपर चार्ज आ जाता मान लीजिए बेटा +1 कूलम। तो और आपसे पूछता है कि जो बॉडी सी है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या बेटा टोटल चार्ज आपका क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो अब हम इस सिचुएशन के अंदर बॉडी सी के ऊपर चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये जान चुके हैं कि टोटल चार्ज आपका क्या रहेगा +8 कूलम। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपका टोटल चार्ज तो क्या रहेगा बेटा क्यू, जिसकी वैल्यू क्या आपकी +8 कूलम, और अब जो चार्ज क्या होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। अब यहां पर आपकी बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज है जिसको हमने Q1 डैश नाम दिया है वो हो गया +4 कूलम, प्लस Q2 हो गया बेटा इसकी वैल्यू +1 कूलम, और ये जो Q3 डैश की वैल्यू कूलम बेटा फाइंड आउट करना। अब ये टोटल चार्ज जो है आपके पास वो कितना है 8 कूलम +8 कूलम, और ये हो गया आपका 4 + 1 + 5 कूलम और +Q3 डैश। इसका मतलब यहां से हम Q3 डैश की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया +3 कूलम, आपका क्या हो गया बॉडी सी के ऊपर चार्ज। तो ये कैसे फाइंड आउट किया हमने कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज की प्रॉपर्टी को यूज किया, जिसके अनुसार जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज क्या रहता बेटा कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा एक बेसिक का एग्जांपल आप सभी बच्चों ने बेटा पढ़ा होगा जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी यूज करते हैं। मान के चलिए आपके पास एक यूरेनियम का कोई एटम है, इसका एटॉमिक नंबर आपका यूरेनियम का क्या 92, और इसके फिजन के दौरान और इसके अंदर से हम मान के चलते हैं आपका एक जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो किसके बराबर होता है बेटा एक हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, वो इससे अलग हो जाता है। तो अब यहां पर क्या है आपका चार्ज नंबर क्या बेटा 92, और इससे क्या निकला आपका एक अल्फा पार्टिकल से आपका इसे इमिट आउट कर दिया, मीन चार्ज नंबर यहां पर क्या हुआ 2 कम हो गया, तो अब यहां पर क्या बच जाएगा बेटा चार्ज नंबर 90, तो आसानी से हम बता सकते हैं। और ये किसका होता बेटा थोरियम 234। तो इस प्रकार से हम जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को यूज करके ये आपकी जो इक्वेशन है उनको भी बैलेंस कर सकते हैं। और जो चार्ज की आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उससे पहले हम बात करते हैं केवल क्वांटाइजेशन के बारे में। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यदि कोई चीज एक फिक्स अमाउंट के अंदर अवेलेबल है तो वो कैसी आपकी क्वांटाइज है। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज हो सकता है वो केवल क्या हो सकता है, तो चार्ज की बेसिक यूनिट है दैट इज +-E केवल उसके इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है और इसके कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और +-E क्या है, +-E इंडिकेट करता है बेटा जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है या एक प्रोटॉन के ऊपर होता है, यदि प्रोटॉन है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा +1
1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और यदि आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा माइनस 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अनुसार किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा बेटा वो कितना होगा, q इज इक्वल टू प्लस माइनस n a। इसका मतलब क्या है और इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं बेटा आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, और इस बॉडी के ने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस बॉडी ने क्या किया दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा, इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा q इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं तो चार्ज कैसा आएगा बेटा नेगेटिव, और कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा टू इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, और माइनस आएगा उसको मैं पहले माइनस साइन से डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा इनको मल्टीप्लाई करें माइनस 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और बेटा यदि ये बॉडी दो इलेक्ट्रॉन की बजाय यदि ये बॉडी क्या करती है आपकी तीन इलेक्ट्रॉन को ले लेती, तीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती, तब इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या करते हैं 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, तब ये चार्ज आ जाएगा आपका माइनस 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट जब बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये मैग्नीट्यूड आया, और तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इतना चार्ज हुआ, और ध्यान रखना है चार्ज बेटा इसके बीच में पॉसिबल नहीं है, ये जो वैल्यू आपका इस वैल्यू के बीच में आपका चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चार्ज किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होगा वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट है जिसकी वैल्यू 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसके हमेशा क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ऐसे ही किसी बॉडी के ऊपर आलतू फालतू चार्ज नहीं आ सकता है, चार्ज हमेशा एक क्वांटाइज रहेगा बॉडी के ऊपर, और एक जो वैल्यू है उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, इसके कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि जब चार्ज ट्रांसफर होंगे सॉरी जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे चार्जिंग प्रोसेस के दौरान, या तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा बेटा, या दो होंगे या तीन होंगे चार या 100 200, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका हाफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के अंदर रह गया और हाफ इलेक्ट्रॉन सेकंड बॉडी के अंदर चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.2 से, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।